ना कोई शराब की बोतल लेके पैदा हुआ। सारे लोग कोई नॉर्मल प्रक्रिया से आए हैं, कोई अलग तरह से नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम पढ़े लिखे होने लगे, जैसे ही हम उम्र दराज होने लगे, जैसे ही हम पत्नी वाले, बच्चे वाले, जमीन वाले, कार वाले, ज्ञान वाले, डिग्री वाले होने लगे, इस 3.5 हाथ की काया में हमने हजारों बुराइयों के स्थान दिया है। याद रखना बस्ती के लोगों, आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति इस 3.5 हाथ की काया में अवगुणों और बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देगा, वह व्यक्ति दुनिया में बड़ा इंसान बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस 3.5 हाथ की काया में हजारों अवगुणों को, हजारों बुराइयों को स्थान दे दिया। उसका परिणाम हुआ कि हम पतित हो गए, गरीब हो गए, कमजोर हो गए, और जो मुझे करना चाहिए था दुनिया के लिए वो कर नहीं पाए। बस्ती के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए, एक बार बासठ नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध से पूछता है, कहा कि आपके पास कोई ज्ञान हो, आपके पास कोई औषधि हो, आपके पास कोई मंत्र हो, हमें दे दें, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मैं जीना चाहता हूं, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तब तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, बस्ती के राजा महाराजा ध्यान से सुनना, और आप रानी महारानियां हो, ध्यान से सुनिएगा, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, बासठ, जो व्यक्ति अपने लिए जिएगा उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता, और जो समाज के लिए जिएगा उसे दुनिया को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। यह निर्णय तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि तुम मरना चाहते हो कि कभी मरना नहीं चाहते। ये जितने संत गुरु महापुरुष आप देख रहे हो, ये लोग वो है जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम किया, हकवंचित समाज के लिए काम किया, कमेरा समाज के लिए काम किया, असहाय निर्बल कमजोर समाज के काम किया, तब ये जाकर के अमर हुए हैं। ये मौका तुम्हें भी मिला है, चाहो तो मर जाओ और चाहे तो कभी ना मरो। ये निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा बस्ती के लोगों, ये बहुत चिंतनीय विषय है, ये बहुत चिंतनीय विषय है, इसका निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा बताने वाला नहीं। याद रखना, आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? बाद में मत कहना भंते जी आए थे, जाने कौन सी भाषा बोल के चले गए, किस किस को समझ में आ रहा, हाथ उठा के बताइए, समझ में आ रहा है? पीछे वाले कौन समझने लगता? आज के 2500 वर्ष पहले बस्ती के लोगों, ध्यान सुनना, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा था कि कोई भी भिक्षु अपने बुद्ध विहार में ना ठहरे, एक स्थान पर ना ठहरे, वो ठहरने के लिए नहीं बना है, उसे सतत लोगों के बीच में जाना चाहिए। जहां अज्ञान है, जहां अंधेरा है, जहां पागलपन है, जहां अंधविश्वास है, जहां अविद्या है, वहां जाकर के भिक्षुओं को ज्ञानवान बनाना है। और याद रखना, बस्ती के राजा महाराजाओं, तथागत भगवान बुद्ध की बात मानकर बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे जन्मोदीप पर काम किया, पूरे आर्यावर्त पर काम किया, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने शासन किया है। महापद्म नंद से ले लीजिए, पूरा मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, पूरा पालों का साम्राज्य ले लीजिए, पूरा कनिष्क साम्राज्य को कुषाण वंश ले लीजिए, अंतिम राजा सम्राट हर्षवर्धन को ले लीजिए, कुल मिलाकर के 1200 साल का यह अंतराल होता है। इस पूरे देश में जिधर जाओ उधर बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि की गूंज हो रही थी। 1200 साल बुद्ध का दर्शन यहां चला। याद रखना, आप कोई नए बौद्ध नहीं हो रहे, कोई तुमसे कहे कि तुमने धर्म बदला नहीं, बता देना ये मेरी घर वापसी हो रही है, मैं पहले बौद्ध था, इन्हीं कारणों बस भूल गया था, अब मैं फिर बौद्ध बन रहा हूं, ठीक है ना? कभी किसी को मत बताना कि वो धर्मांतरण किया हमने, बताना घर वापसी है, हम इस देश के पुराने राजा महाराजा हैं,
मुझे कमजोर असहाय बना दिया था, इसलिए मैं भूल गया था। अब मेरी समझ में आ गई है, अब मैं फिर कुदरत की शरण में जा रहा हूं। जो हमारे पुराने राजा महाराजा, इस बात को ध्यान से सुने, आगे ध्यान दें। तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया। आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने हम सबको बहुजन कहा। तथागत भगवान बुद्ध की शरण में ऐसा नहीं है कि कोई एक जात बिरादरी के लोग आए, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह का काम करने वाले लोग आए। तथागत भगवान बुद्ध की शरण में सभी तरह के लोग आए। इवन तथागत भगवान बुद्ध की शरण में अम्रपाली वैश्य भी आई और अंगुलीमाल डाकू भी शरण में आया। बुद्ध ने कभी किसी को मना नहीं किया। तथागत बुद्ध का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कुछ लोग तथागत भगवान बुद्ध को अपनी जाति से जोड़ करके प्रचारित करते हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए कि बुद्ध सबके हैं, किसी जाति के नहीं है। और जो लोग बाबा साहब को अपनी जाति से कहकर के प्रचारित करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि बाबा साहब सबके हैं, तुम्हारी जाति के नहीं है। रहे होंगे तब रहे होंगे, जब व्यक्ति समाज के लिए काम कर देता है, दुनिया के लिए काम कर देता है, वो महापुरुष बन जाता है और सारे लोगों का हो जाता, फिर वो तुम्हारा नहीं। जो लोग तथागत भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को जातियों से बांध रहे हैं, ये दोनों लोगों के हत्यारे हैं, उनके विचारों की हत्या करने वाले हैं। इसलिए अगर कोई बौद्ध बन जाए और बाबा साहब का अनुयायी बन जाए और फिर भी जातिवादी बना रहे, तो उसे ढोंगी मानना ढोंगी। ये मैं आज दावे के साथ आपसे कहते जा रहा हूं। इस विचारधारा में जातियां नहीं है। पहले वंश हुआ करते थे। आप वंशों के निकले हुए लोग हो, इस देश के पुराने राजा महाराजा हो। षड्यंत्र के तहत तुम लोगों को जातियों में बांट दिया। याद रखना, अगर बहुजन बटता नहीं तो कभी लुट नहीं सकता था, बट गया, इसलिए आज बहुजन लुट रहा है। चाहे वो धार्मिक लुट रहा हो, चाहे वो आर्थिक लुट रहा हो, चाहे वो राजनीतिक लुट रहा हो, चाहे वो सामाजिक लुट रहा हो, आज तुम्हारे घरों में लूट मची है, लूट। लेकिन वो लूट हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम बहुसंख्यक लोग लुटते चले जा रहे हैं और कम संख्या के लोग हमें लूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जाति का स्वाभिमान दे दिया है कि तुम ऊंची जाति के हो, ये उनसे ऊंची जाति का, और हम लोग ईमानदारी से जाति जाति खेल रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम लोग विकलांग बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चेतना पड़ेगा, इस जातिवादी विचारधारा से निकलकर बुद्ध की विचारधारा में हमें आना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को बता दूं, यहां तमाम बस्ती के बहुत जानकार लोग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें आई, आपके बारे में भी बात करूंगा मैं। हमारे तमाम जो देखिए श्रद्धावान उपासक बैठे हैं, जिनके मन में जिज्ञासा वो ये लाइन है, और जिनके मन में भाषण देने का मन है वो ये लाइन है कि नहीं? जिज्ञासा वाले सामने है। आप लोग श्रवण संस्कृति के लोग हो। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा कि देश भारत में दो ही संस्कृतियां हैं, एक है श्रवण संस्कृति और एक है ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति का अर्थ है श्रम करके खाने वाला, श्रम करके कमाने वाला, श्रमण कहलाता है, और गप लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ये बात सही है कि नहीं है? इसलिए आप श्रमण संस्कृति के लोग हैं, ब्राह्मण संस्कृति के लोग नहीं, अभी नहीं। इसलिए ये बात हमें समझनी है। और जो मेरे पुरखे हैं, कभी हम अपने पुरखों को बुरा भला ना कहें, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भूखा रहकर एक जोड़ी कपड़े पहनकर बिना चप्पलों के मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया है। इसलिए कभी भी बड़े बूढ़ों का अपमान मत करना, ये बहुत मान सम्मान की बात है। आज तुम जो दुनिया में जी रहे हो, ये भारतीय संविधान के बाद की दुनिया है। विचार करो, जो गुलामी में पैदा हुए होंगे वो जिंदगी कैसे जीते होंगे, कैसे उन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया होगा, इस परंपरा को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, बलिदान किया,
हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियां लगा दी और हमारी संस्कृति की रक्षा की है। हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। आज से अपनी दीवारों पर लिखवा देना कि देश भारत के हम पुराने शासक हैं, हमारे पुरखों ने समझाया कि समझाया, इस देश भारत के हम शासक हैं। बस एक काम हो जाए, ये जो बटे हैं बटना बंद हो जाए, इकट्ठे अगर हो जाए। मैं पिछले 2 साल से बहुजन मैत्री सम्मेलन कर रहा हूं, आपके मैं बस्ती में आया, तमाम बस्ती के लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत किया, बड़ी मेहनत की लोगों ने बड़ा साथ दिया मेरा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कभी से बस्ती के लोगों से मेरा आत्मीय लगाव हो गया और मैं आज फिर आपके बीच में आया। मैं चाहता हूं कि जो बस्ती ने बुद्ध को जन्म देकर के इतिहास बनाया था, ये बस्ती आज पूरे उत्तर प्रदेश में धम्म का झंडा फहराने में इतिहास बनाए। मैं ये चाहता हूं, ये बस्ती के लोगों में क्षमता है। मैं देखता हूं यहाँ के लोग तर्कशील हैं, यहाँ के लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ के लोग सवाल जवाब करने में बड़े माहिर हैं, हमसे भी करते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लोग अच्छे लगे, इसलिए मैं ये संभावना तलाश रहा हूं। याद रखना, देश भारत में अगर हमें सफल होना है, ध्यान से सुन लीजिए मेरे जागरूक लोग जो मंच पर बैठे हैं, अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने समाज को 5 भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग है धार्मिक, एक है सामाजिक, एक है राजनीतिक, एक है आर्थिक और एक है सरकारी सेवा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक भाग सामाजिक है, एक भाग आर्थिक है, एक राजनीतिक है, एक सरकारी सेवा है और एक धार्मिक भाग है। अलग अलग क्षेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की आलोचना को बंद करना पड़ेगा। मैं देखता हूं संगठन ज्यादा बन गए, मुझे कोई दुख नहीं है। जब एक संगठन दूसरे संगठन की आलोचना करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि आखिर आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को बुरा कहकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर। इसलिए आलोचनाएं बंद करिए, एक दूसरे की बुराई भलाई बंद करिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और इस बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करिए। बंद कमरे में एक सामाजिक व्यक्ति हो, एक धार्मिक व्यक्ति हो, एक राजनीतिक व्यक्ति हो, एक आर्थिक व्यक्ति हो, एक सरकारी सेवा में हो, हम 5 जगह काम करें लेकिन महीने में एक बार बंद कमरे में बैठते रहें, हमारे विकास को कभी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। एक दूसरे की जरूरत समझे। राजनीतिक व्यक्ति, हम बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करें, हम बौद्ध भिक्षु उसका सम्मान करें। सामाजिक व्यक्ति हमका सम्मान करे, हम उनका सम्मान करें। धार्मिक व्यक्ति बिजनेसमैन का सम्मान करे, जब जरूरत पड़े पैसे की तो बिजनेसमैन आपको दान दे, ये जरूरी है कि नहीं है? लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे की बुराई करके दूरियां बना ली।